जन्मे नारायण जी नारायण नमो नारायण बाबा जी रहन की सरब ने होना पर टेंट लगी राज बोले सच्चे दरबार की बाबा जी बाबा सिंह चानो की श्री देवी की ये भक्तों की ने बोली जाए भक्तो थोड़ा ध्यान रखना ये ताज पर परखूनी सुंदर नगर आई के सब जाए देखो तुम्हारी गलती नहीं आई कितने पता लगना भाई कितना कोई की नहीं है ग्राहक दिने काम कितना और कितना किसरा ध्यान है बड़ी सी गल पर नहीं जाना इसे बुहा आज कहीं कुछ बुलाना इसने अपने घरे का आदि खे जी में वहां लिया गंदा लटका दी दुर्गा माता बोले पा लिया गंदा चिपका दी श्री देवी इसना बुढ़ा रोज धूप करता मरी गया बोला माता माता तू सके बुला दे पर तुसे ध्यान रखना भक्तो बोला बच्चा क्या करते हो अरे नमो नारायण बाबा जी नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ओ सुना महाराज सुना बाबा दा बड़ी हाथ पाई नमो नारायण बाबा नमो नारायण बाबा अरे देखिए बाबा हमने बाबा देखो बच्चा देखो भक्ता बोलता है मुझे पहचाना नहीं अरे इस युग में कलयुग में बिना गुरु के द्वारा भक्त को पहचाना सबके बस की बात नहीं रही अच्छा वाणी में लिखा है ये माला फेरे मुस्कुरा तिलक लगावे शैतान अरे सिर मुड़ावे सिर चोटड़े आसम गुंडिया दे काम बाबा गुंडे दे काम सब को साधु है नोट तेरे को टांग देखो बच्चा सब ये भी ऐसे नहीं होते ना बाबा को थरी जब छान दा सा बाबा देखो मैं बोल रहा हूं बाबा देखो भक्तो आज इस जमाने में लेख फेंको दुनिया मानती है अरे तुम भी जान लो अरे बाबा लेख खबे खदे लगी तो करे थोड़े थोड़े ही अच्छी बात है दीवारों देखे पर सुंदर नगर बस स्टैंड में और सब पूरा दिन मंगना थी ना सब बढ़ के ठेक के जाएंगे देखो भगवान अरे जो मर्जी करता हो हमें उससे क्या मतलब जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भैया उदास है आपको दूंगा ना सोने तेरा बुला रोज खा मास देखो हाँ भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है अनन्य भक्त बाबा कल क्या बोला ये डेटे डेल लाइन कितने लग रही पीछे 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 लग रही रात दिन तू है बोला विष्णु का फादर बोला नहीं भगते संडे कहा देखो हम भगवान विष्णु के बड़े प्रिय भक्त हैं बड़े हाँ तू ये बड़ा प्रिय है मर गया उड़ाई उड़ाई ने कहा जो उड़ाया अंदर बोला बड़ा प्रिय भक्त अरे भक्तो देखो मैं अंतिम बार भी बतलाता हूँ हम भगवान विष्णु के बड़े प्यारे भक्त हुए और भगवान ने भक्ति के कारण हमारे को अपना पुत्र मान लिया और पुत्र होने के नाते भगवान हमें तीन लोक में जाने का अवसर प्रदान किया और प्यार से हमारा नाम नारद मुनि रखा नारद मुनि अच्छा अच्छा नारद तू है क्या बोला भाई साहब हाँ जी हाँ जी सही नारद नहीं है देखा बोला कौन बोला जब भी सुनो भगवान ने बंदर बनाए थे बंदर बनाए भाई साहब पर जिनाना पीछे बनाए बंदर साहब देखो भाई कितने कितने प्यासे हंस रहे हैं और सुना जी सुना जी हंसो और हंसो भाई अरे भगवान ने मुझे बांदर बनाया था इसका कोई विशेष कारण था बाबा क्या कारण पर मुआ होता भगवान होता है जिनाने बांदर ही बनाया तू तो मुआ तेरे जिनाने छेलू बनाई रहा छेलू बना रहा भेडुआ बनाई गिरी मारी देखो भक्तो हंसी भी और ज्ञान भी पाइए भगवान ने हमें बांदर बनाया था इसका बहुत गहरा राज है ये बाबा क्या राज है सुनिए एक बार हमारे मन में अहंकार आ गया अच्छा जो हर व्यक्ति को आता है क्या हो और हमें भी अहंकार आ गया और हमने भगवान से वादा किया भगवान हम सारी उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे अच्छा औरत की परछाई तक नहीं लेंगे खिरी नहीं आई लेकिन क्या हुआ भगवान ने ऐसी लीला रचाई एक सुंदरी स्त्री का रूप हमारे समक्ष आ गया और उसने हमारा मन मोह लिया जब हम विवश हो गए तो हमने भगवान से अपना स्वरूप मांग लिया बाबा और भगवान ने धोखे से हमें वानर का रूप दे दिया बाबा तू देना से खड़े हुए बड़े देख रहे हो और भी चलते चलते
हमने नदी के किनारे अपना मुख देखा, देख करके आश्चर्य हुआ और फिर हमने भगवान को श्राप दे के रखा, जाओ भगवान जब आप धरती पर विष्णु अवतार में आओगे और कहीं तुम्हें विपता पड़ेगी तो यही बांधना तुम्हारी अंत में सहायता करेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे देखिए बाबा पहले ब्याह थे समाज लोग के बीच में, बहुत पहले आए मगर आप घर पर मिले कहाँ बाबा। फिर भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठपुरी चले गए, वहाँ पर क्या देखा, भगवान के चारों हाथों में शस्त्र विराजे थे। बाबा क्या क्या हमला, एक हाथ में शंख, एक हाथ में पद्ममाला, एक हाथ में पुष्पमाला और एक हाथ में गदा विराजे और एक हाथ में शराब की बोतल विराजे। भगवान ऐसा नहीं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर हमने क्या देखा, भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। भगवान शेषनाग पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। लक्ष्मी आता बस जेड़ा जुनू जा ना लगी हो लक्ष्मी ने हले पर कल कराऊंगा मेरा परमात्मा कने कल लगी हो से परमात्मा बेचारे 2000 रुपए सकते हो असल छोड़ के कटारा आते मेरे घर अंदर लक्ष्मी लगी ने हले फिर बस बाबा दरवाजे अंदर पहुंचे तेरे चकना मिलना तैयार है मेरा। अरे बच्चा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कहीं होता बाबा, कल की याद करो वहां तू हरे अंदर बड़े झाड़े फाड़े हो रहा है। देखो बच्चा बच्चा मिंजो तो ताजे रहा जोर पी रहा, मैं तो इन्हें लोग कभी जाएंगे ताजे बच्चे वहां ताजे बच्चे वहां लड़ी रहा पर मुआ तू मेरे घर का जो बड़ी रहा। अच्छा रे देख बच्चा ऐसा नहीं, बड़े दिनों के बाद मैं घर में प्रवेश हुआ और घरवाली ने बड़े प्यार से खाना खिलाया, बिस्तर दिया, मुझे सुलाया और बेचारी खुद बर्तन साफ कर रही थी। वो बर्तन ही कर दी साफ पर सुहाई तो उन्हें फिर लग रही से वो दो रखो। देखिए भगवान ऐसा नहीं, फिर हम भगवान के चरणों में चले गए। भगवान ने हमें कुछ सेवा दी, नारद धरती पर जाओ लोग राम धंधे में अपना प्रभु का नाम भूल चुके हैं, चलते चलते आज हम इस देव भूमि पर आ पहुंचे। अरे रास्ते पे क्या देखा भक्तों, गौ माता दर दर भूखी प्यासी भी लग रही है, कोई गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा ये कारण है बाबा, गौ माता क्या गौ बूढ़े से हो भी जोर बस एक बार तो कणक बुढ़ो गिर छलिया देख बार खेत रहा इतनी इतनी होने फिर गौ माता खेता पाई चाहिए बस रडिंग को डींग फिर बाबा उपरा कहीं अरे बाबा अखी बुटोई दिया कहीं अरे फूंट बनते कहीं लत्ता तोड़ दिया कहीं अरे बाबा ये बन बड़ेगी चलिए बाबा डांगो डांगी बस फिर बाबा जोर सेवा। देखो भाई कोई बात नहीं, अगर गऊ की सेवा नहीं होती हो तो थोड़ा आगे बढ़िए और फिर ध्यान से सुनिए। अच्छा। जिन माता पिता ने हमारे को जन्म दिया और संसार का आनंद भोग रहे हैं। अच्छा। अजी भगवान से पहले माता पिता की सेवा करना अति उत्तम है। बाबा माँ बूढ़े से वो देते ज्यादा पखीरा काम आजकल एक बार दे पाऊ बारह की दिया चाहिए पास फिर जगह जमीन सारी कराई लड़ी अपने नाम क्या भी कराई लगा फिर एक सोना बदिया पखा लाई ने कहने स्याने स्याने सोचा हूं तलड़ी में रेंदे कोई डखंड भी निकली जाते। अरे नहीं बच्चा सब अपने अपने माता पिता की सेवा करते हैं। सेवा क्या बाबा तुम्हारा स्याना कई साल आते कोई डाई देखा मैं। अरे देखो वो तो बेचारा गऊओं का भक्त है, अरे गऊओं के लिए घास ही निकाल रहा होता है। वो गऊओं ने निकाल रहा घास पर सेवरा डर रहा कोई गिरापू बेचारा कहीं देवे घास। भाई कोई बात नहीं, अगर फिर भी किसी को सुख प्राप्ति नहीं होती हो अच्छा तो भाई कोई पूर्णमासी का व्रत कर लो। बाबा क्या कर मासी रव्रत, अरे पूर्णमासी का पूर्णमासी का पूर्णमासी रव्रत ये बात है। वो बाबा कहता जाओ उनकी प्राप्ति चाहिए करुआ चौथ गई।